नमस्कार, स्वागत है आपका खबर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। और चलिए एक बड़ी अपडेट आपको बता दें, आज से छत्तीसगढ़ बारहवीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है। सेंटर्स में कैलकुलेटर, मोबाइल और स्मार्ट वॉच पूरी तरह से बैन रहेगा। प्रदेश भर में 2475 परीक्षा केंद्र तैयार किए गए हैं। छात्रों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुभकामनाएं दी। शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने लिखा कि भय और तनाव मुक्त होकर परीक्षा छात्र दें, तो नकल पर रोक लगाने के लिए उड़नदस्ता दलों का भी गठन किया गया है। शिक्षा और सहायक शिक्षा अधिकारी निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें, 2 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं भी शुरू होंगी, लेकिन आज से 12वीं की परीक्षाएं छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी हैं। इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सेंटर्स पर कैलकुलेटर, मोबाइल फोन या स्मार्ट वॉच ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि सभी छात्र तनाव मुक्त, भयमुक्त होकर परीक्षाएं दें और सभी के लिए शुभकामनाएं। इसके अलावा आपको बता दें कि आज 12वीं की बोर्ड की परीक्षा शुरू है, तो 2 मार्च से 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होंगी। और चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जगदलपुर से रजत वाजपेयी, तो दुर्ग से रॉबिन ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले गौरव, आज से 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, क्या तैयारियां रायपुर में हैं, किस तरह से सेंटर्स को लेकर वहां व्यवस्थाएं की गई हैं और कितनी देर से परीक्षा शुरू होने जा रही है? जी बिल्कुल दिनेश, देखिए छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा जो बोर्ड परीक्षाएं ली जाती है उसका आगाज आज से होना है। आज से यदि हम बात करें तो 12वीं बोर्ड की परीक्षा होगी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेंटर के सामने, जहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं सेंटर के मुख्य द्वार में ही, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच ले जाना मना है, तो ये यहाँ पर पूरी तरीके से नोट भी चिपका दिया गया है कि शाला परिसर में मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री लेकर आना वर्जित है। तो अंदर का मैं कुछ दृश्य दिखाऊंगा जहां पर तैयारियां हो गई हैं। बकायदा यदि हम बात करें तो 9 बजे से परीक्षा शुरू होगी और 9 बजे शुरू होकर दोपहर 12:15 बजे तक चलेगी। और प्रदेश भर में 2475 जो परीक्षा केंद्र है वो बनाए गए हैं। और 10वीं और 12वीं की यदि बात करें हम, तो 6,06,578 जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। 12वीं के 261,335 छात्र छात्रा जो है वो आज से परीक्षा देंगे और तैयारियां पूरी की कर ली गई है। बकायदा जो उड़नदस्ता की टीम है वो लगातार सेंटर्स के दौरे करेंगी और यदि उन्हें सूचना मिलती है एकाएक पहुंचेगी और वहां पर जांच भी करते नजर आएगी और सूचना के आधार पर वो वहां पर भी जाके जो मॉनिटरिंग है वो करेगी। और खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तमाम छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी हैं और वो उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके का गलत कदम ना उठाएं, आराम से पेपर दें। और इसे लेकर यदि हम बात करें माध्यमिक शिक्षा मंडल की, तो जो शिक्षा मंडल से शिक्षा अधिकारी हैं वो भी तमाम क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद बच्चों से भी चर्चा करेंगे और देखेंगे कहीं कोई दिक्कत बच्चों को नहीं आ रही है। तो तैयारियाँ पूरी कर ली गई है जी। चलिए, तैयारियाँ रायपुर में पूरी हैं, जगदलपुर में क्या माहौल है? रजत, जगदलपुर की जानकारी दीजिए, किस तरह की तैयारियाँ वहाँ पर हैं, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण एक छात्रों के जीवन का ये एक मोड़ है कक्षा 12वीं, इसके बाद उन्हें अपने भविष्य के लिए आगे दिशा तय करनी होती है कि उनको कहाँ जाना है। तो किस तरह का मनोदशा इस समय छात्रों की है और तैयारियां किस तरह की है वहां पर? जी बिल्कुल दिनेश जी, बच्चों में जो है मिलीजुली तरह की जो है वो प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है। कुछ बच्चे जो हैं वो साल भर की पढ़ाई को के भरोसे हैं और कुछ बच्चे जो हैं उनमें थोड़ा सा थोड़ी शंका नजर आ रही है। 5 नए केंद्र इस साल तैयार किए गए हैं और जिनमें दरभा और अंदरूनी इलाके भी शामिल हैं। इसके अलावा कुल 102 केंद्रों में परीक्षा होनी है। 6800 बच्चे जो है वे इस साल 12वीं की परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं और इनमें से गिने चुने जो हैं वो स्वाध्यायी हैं, बाकी सारे नियमित बच्चे हैं। स्क्वाड का गठन कर लिया गया है ताकि चीटिंग रोकी जा सके और जो शिक्षा विभाग से जुड़े अफसर हैं उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे पूरे नॉर्म्स का पालन करवाने की व्यवस्था करें। JD जो है संजीव श्रीवास्तव,
एक दिन पहले हमारी उनसे बात हुई। सुकमा जिले में कुछ सेंटर्स हैं जिन्हें वे चैलेंज मान रहे हैं, और आपको बता दूं दिनेश जी, यहाँ चॉपर के जरिए जो है वो प्रश्न पत्र भिजवाए गए थे, क्योंकि सड़क मार्ग के रास्ते यहाँ तक पहुँचना काफ़ी दुष्कर था, और परीक्षा जो आयोजित होने वाली थी आज से, उसमें कोई व्यवधान ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने इनिशिएटिव लिया। और हालांकि गिने चुने बच्चे ही इन दो सेंटरों में थे, लेकिन उनका जो प्रश्न पत्र है वो चॉपर के जरिए भिजवाया गया। सारी व्यवस्थाएं वहां के लिए भी कर ली गई हैं, और वहां के लिए जो उड़न दस्ता दल है वे भी जो है बच्चों की एग्जाम पर नजर रखेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उस पूरे इलाके में जहाँ नक्सलवाद का काफी प्रभाव है, वहां भी बच्चों की का भविष्य जो है वो बेहतर हो सके, इसके लिए परीक्षाएं आयोजित करने पूरी तैयारी शिक्षा विभाग की ओर से की गई है। बस्तर जिले में भी कुछ ऐसे केंद्र हैं जो संवेदनशील माने गए हैं, लेकिन जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनका कहना यह है कि सारी चूंकि पहले से ही तैयारियां हो चुकी हैं, इसलिए निश्चित तौर पर रजत, और सबसे बड़ी बात एक है कि जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती ये भी रहती है, चाहे चुनाव करवाइए या परीक्षा दिलवाइए, लेकिन एक बड़ी चुनौती यहाँ पर हमेशा बनी रहती है, लेकिन सुरक्षा बल हमेशा तैनात रहते हैं, और जितनी भी परेशानियाँ, जितने भी जो काम है वो सही तरीके से, सुलभ तरीके से पूरे हो जाते हैं, और तैयारियाँ विशेष तौर पर वहाँ पर की गई हैं सुरक्षा को लेकर भी। चलिए अब दुर्ग से हमारे सहयोगी रॉबिन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और कवर्धा से संतोष भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रॉबिन, दुर्ग में क्या तैयारियाँ हैं परीक्षाओं को लेकर, किस तरह की व्यवस्थाएँ की गई हैं, जो खास करके सेंटर्स बनाए गए हैं वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और नकल को रोकने के लिए किस तरह की इस बार तैयारियां हैं? देखिए, दुर्ग तो वैसे ही अपने आप में एजुकेशन हब है, और यहाँ पे जो बच्चों की तैयारी होती है, जब इंसान, जब बच्चा यहाँ पे 11वीं 12वीं में होता है तो वो आगे की तैयारी करता है, उसके अपना पूरा लक्ष्य पता होता है कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। तो फिलहाल बच्चों को ज्यादा टेंशन परीक्षा की नहीं है, क्योंकि यहाँ इनकी तैयारी काफी अच्छी हो रही, तमाम ट्यूशंस और स्कूल में इनकी तैयारी लगातार होती रहती है, तो कहीं ना कहीं अब इनको भविष्य में आगे की चिंता है। लेकिन जरूर, हाँ, 8 बजे ये सेंटर खुल जाएगा और 9 बजे बच्चे जो है पहली पाली में एग्जाम देंगे। 12वीं की परीक्षा है, सबको अपनी स्ट्रीम पता है, तमाम जो स्टूडेंट है सभी अपने अपने विषय में अभ्यस्त है, तो कहीं ना कहीं इनको कोई टेंशन नहीं है फिलहाल एग्जाम की। लेकिन हाँ, चुनौती इस बात की है कि दुर्ग जो बड़ा जिला है, और कहीं ना कहीं अच्छे खासे जो एग्जाम सेंटर्स है यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ के जो DO है वो लगातार यहाँ पे दौरा कर रहे हैं, और साफ बात ये जरूर है कि चीटिंग्स को लेकर जो है सरकार और जो एजुकेशन ऑफिसर है वो एकदम सख्त दिखेंगे। कहीं ना कहीं जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या अदर कैलकुलेटर, उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है, फिलहाल पिछले साल भी जिले में लगभग कुछ चीटर जरूर पकड़ाए थे, लेकिन बाद में उनकी अच्छी खासी क्लास ली गई गई थी, तो शायद इस बार ऐसे छात्र ना दिखे। लेकिन मुख्यमंत्री के जो ट्वीट आया, जो बच्चों को बधाई दी गई कि बिल्कुल आप टेंशन ना ले और आसान, मतलब इजीली आप एग्जाम दे, और ये सिर्फ छोटी सी परीक्षा है, आगे जिंदगी में कई इम्तिहान होंगे, कहीं ना कहीं इस एग्जाम के कारण कई बच्चे जो है टेंशन में आ जाते हैं और कई गलत कदम उठा लेते हैं, तो उनके लिए भी आज निश्चित तौर पर आपने बड़ी बात कही है रॉबिन। निश्चित तौर पर जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं, और आमतौर पर हम ये खबरें आए दिन देखने को मिलती हैं कि छोटे छोटे से बच्चे जो महज एक विषय में अगर उनका परीक्षा सही नहीं होती या पेपर उनका सही नहीं जाता, उसके बाद भी वो इस तरह का कदम उठा लेते हैं कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं, तो इस तरह की स्थितियां ना बने, निश्चित तौर पर बच्चों को हौसला अफजाई की भी आवश्यकता है। चलिए, संतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कवर्धा से। संतोष, कवर्धा में क्या स्थितियाँ हैं, तैयारियाँ किस तरह की हैं, कितने परीक्षा सेंटर वहाँ पर बनाए गए हैं? देखिए दिनेश, कवर्धा में परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली गई है। आज 12वीं का हिंदी का एग्जाम है, जहां पर लगभग जिले में 8000 बच्चे जो है शामिल होंगे, और जो बच्चों के जो पालक है और बच्चों को सभी को बता दिया गया है कि जो परीक्षा हाल है वहां पर कैलकुलेटर, मोबाइल और स्मार्ट वॉच लेकर के ना पहुंचे, और जो पूरे परीक्षा केंद्र लगभग जिले भर में 72 केंद्र बनाए गए हैं, और शहर की अगर बात करें कवर्धा शहर में ही 5 केंद्र बनाए गए हैं, तो कुल मिला के वहां पर पूरी तैयारी कर ली गई है। उड़न दस्ता टीम भी बनाया गया है, अलग अलग टीम बनाए गए हैं, BO कार्यालय से एक उड़न दस्ता की टीम बनाई गई है, जिला कार्यालय से बनाया गया, कलेक्टर ने भी एक इस तरह से नकल रोकने के लिए एक टीम बनाया गया है। तो कुल मिला के देखें तो परीक्षा शांतिपूर्ण स्नेह से, और जो बच्चे हैं परीक्षार्थी हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी न हो इस बात का भी ख्याल रखा गया है। जो DO महेंद्र गुप्ता है उनसे हमारी बात हुई, तो उनका साफ तौर पर यही
कहना है कि जो बच्चे हैं उनकी परीक्षा में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस सारे सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। परीक्षा केंद्र में जो बच्चों के लिए पानी इत्यादि का भी वहां पर व्यवस्था की गई है, और जो पालक हैं उनके जो स्कूल के पास आसपास में आते हैं नकल को लेकर की कई बार ऐसे चर्चाएं होती है, जिसको रोकने के लिए वहां पर तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं, पुलिस के भी वहां पर जो है जो सहायता लिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर देखिए तो 72 केंद्र बनाए गए हैं पूरे जिले भर में, और लगभग 8000 जो बच्चे हैं आज पहला पेपर हिंदी निश्चित तौर पर आज संतोष पहला पेपर है, और सभी को शुभकामनाएं मुख्यमंत्री ने भी प्रेषित की है, और बंसल न्यूज परिवार भी सभी छात्रों को शुभकामनाएं प्रेषित करता है कि आप सभी अच्छे से भयमुक्त होकर टेंशन फ्री होकर अपने एग्जाम दीजिए और आपको सफलता भी प्राप्त। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। चलिए अब